मौसम मौसम था सुहाना बड़ा मौसम मौसम। मैंने देखा उसे हुआ मैं पागल बस पल भर में। हाय गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं यहाँ पर तामिनी घाट। आफ्टर सो लॉन्ग हमने प्लान करी है एक लॉन्ग ड्राइव। सो चलते हैं। सो आपको साथ साथ मैं बताऊंगी कि कैसा है ट्रिप, कितना रश है, क्या है। सो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं साथ में। पुणे से तामिनी का जो डिस्टेंस है वो है अप्रॉक्सीमेटली 53 किलोमीटर्स एंड वहाँ पहुँचने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। सो हम अराउंड 12 और 12:30 घर से निकले थे एंड आई थिंक विच इज़ द राइट टाइम यदि आपको भी उसी टाइम पे ट्रैवल करना है, क्योंकि आराम से 6, 6:30 तक हम वापस घूम फिर कर के घर आ गए थे। एंड ड्यू टू कोविड बहुत लंबे समय से कहीं घूमने नहीं गए हैं तो थोड़ा सा एक रिफ़्रेशमेंट भी चाहिए था, बट एट द सेम टाइम सारे सेफ्टी प्रिकॉशन सब कुछ हमने ध्यान में रखा था। थर्सडे ऑफ लिया था ऑफिस से सो डैट हम मतलब वीकेंड्स में ना जाएं, क्योंकि वीकेंड्स में जनरली बहुत ज़्यादा रश रहता है। इस वजह से हमने वीकडे चूज़ किया था एंड आप देख सकते हैं वहाँ पे हार्डली 1-2 गाड़ियाँ बीच बीच में थी, अदरवाइज़ बिल्कुल भी रश नहीं था वीकडे में। और हम लोग कहीं पे भी नहीं रुके थे ऐसे खाने वाने के लिए, बीच में एक जगह पे बस हम फ़ोटोशूट के लिए रुके थे एंड बस। उसके अलावा हम थोड़ी देर से रुक करके सिर्फ एंजॉय लेते रहे, बाकी हमारी सिर्फ एक लॉन्ग ड्राइव हुई थी। एंड क्या प्यारा मौसम था, ओ माय गॉड। आप देख सकते पूरे क्लाउड्स ऐसे नीचे एज इफ तैर रहे हों। बहुत ही सही था एंड सीरियसली बहुत ही रिफ़्रेशिंग ट्रिप था, बहुत मज़ा आया। लास्ट टाइम जब हम तामिनी गए थे आज से कुछ आई गेस 1 साल और 1.5 साल पहले, तब वहाँ की जो रोड थी वो बिल्कुल भी बनी हुई नहीं थी एंड तब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था एंड बहुत ही गंदी रोड थी। बट इस बार की तो क्या शानदार रोड बन चुकी है। थ्रू आउट पुणे से तामिनी बहुत ही सही वाली रोड है, बट हाँ कहीं कहीं पर पैचेस भी हैं। बट पिछले बार जैसे कि पूरा रास्ता ही ख़राब था, इस बार ऐसा नहीं है, पैचेस हैं जो कि मैंने आगे वो भी दिखाया है आपको कि कैसे कैसे पैचेस हैं। बहुत ही गंदे से हैं, बहुत सारे गड्ढे, पर वो हार्डली 100 मीटर 200 मीटर इतने पे ही हैं। और मेरे ख्याल से पूरा 53 किलोमीटर्स में 3 किलोमीटर का ही आपको थोड़ी दूर पे ऐसे पैच मिलेगा। अदरवाइज़ थ्रू आउट रोड जो थी वो बहुत ही शानदार थी। अब चलिए आप एंजॉय करिए वीडियो को। सो आपको इस टाइप के पैचेस मिल जाएंगे जो कि 100 मीटर 200 मीटर हार्डली ही हैं। उसके बाद थ्रू आउट रोड जो है वो बहुत अच्छी बनी हुई है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो पूरी रोड इसी टाइप की थी, बट थैंकफुली इस बार जो है वो रोड बहुत सही है। एंड आप देख सकते हो ऐसे थोड़े से पैचेस में हैं, पर हैं एकदम थ्रू आउट नहीं बनी है, बट हाँ ओवरऑल रोड जो है वो बहुत सही बन चुकी है। और बीच रास्ते में ना इस टाइप के छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी थे, तो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर रुक करके इन्जॉय कर रहे थे। तो इस टाइप के छोटे छोटे से वाटरफॉल आपको रास्ते भर में बहुत सारे मिल जाएंगे। सो आप देख सकते हैं कुछ कुछ फैमिलीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही है उस वाटरफॉल में। 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고